बहुत तकलीफ थे हमें, कम से कम 30 साल से हम भटकते थे, इधर जाओ उधर जाओ, किधर भी नहीं हमें मतलब आराम नहीं मिलता था। मेरा बेटा आज पुलिस में है, उसका पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद भी उसने वो ड्यूटी में ना जाए, पूरा दिमाग पूरा खराब हो गया था उसका। वो क्या है कि जिनको होता है ना उनको समझ में आता, जिनको तकलीफ होता है ना उसका दर्द क्या होता है ना उसके लिए समझ में ना आता। भाषा में तो इसको ऐसा डॉक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका उसका तकलीफ होता है उसके लिए समझ में आता है। वो जो जो उसका कदम कदम पर मतलब उसका तकलीफ सहना पड़ता है, दूर कर दिया मामा ने। हो गया था आपके साथ? हमारे बहुत मतलब बहुत तकलीफ थे हमें, कम से कम 30 साल से हम भटकते थे, इधर जाओ उधर जाओ, किधर भी नहीं हमें मतलब आराम नहीं मिलता था, किधर हॉस्पिटल जाओ किधर भी हॉस्पिटल तो जाते थे तो ज़्यादा ही होते थे हमें। लेकिन बाबा के पास इधर आने के बाद हमारे खाली 2 दिन में हमारे बाबा पूरा का पूरा ठीक ही थे। क्या हो गया था आपके साथ? क्या बोल? परेशान थे हम, बहुत परेशान थे, मतलब कभी भी जिंदगी में हम किधर भी जाते थे हमारे कभी ना, हम ऐसा सोचते थे खाली हमारे कुछ ना करके हम मर जाए। जब मतलब हम बाबा के पास आए ना, तुरंत ही हमारा दुख पूरा का पूरा दर्द दूर कर दिया बाबा ने। हो गया था आपके साथ? हमारे बहुत मतलब बहुत तकलीफ थे हमें, कम से कम 30 साल से हम भटकते थे, इधर जाओ उधर जाओ, किधर भी नहीं हमें मतलब आराम नहीं मिलता था, किधर हॉस्पिटल जाओ किधर भी हॉस्पिटल तो जाते थे तो ज़्यादा ही होते थे हमें। लेकिन बाबा के पास इधर आने के बाद हमारे खाली 2 दिन में हमारे बाबा पूरा का पूरा ठीक ही थे। क्या हो गया था आपके साथ? प्रेत बाधा था। 30 साल से हम परेशान थे, 30 साल से परेशान थे, लेकिन डॉक्टरी सलाह में तो ये चीज़ नहीं मानी जाती ना, कंसल्टेशन में सलाह नहीं मानी जाती, प्रेत बाधा नहीं। हाँ वो बराबर है, लेकिन तो कहते हैं कि ये मानसिक बीमारी। हाँ हाँ ऐसा ही बोलते थे, मानसिक ही है, आपको कुछ नहीं है मतलब खाली मानसिक है, कुछ भी मतलब कुछ भी होता था लेकिन बोलते थे खाली मानसिक है, आपका मानसिक वजह से ऐसा होता है, लेकिन नहीं हर दम अलग अलग तरीका का बीमारी होता था। क्या मैम प्रॉब्लम आती भी? प्रॉब्लम होता था मतलब सिर में होता था, कभी पेट में, कभी हाथ में, मतलब हमारा सबका हाथ दर्द होता था, हमें कुछ काम भी नहीं करने के लिए देते थे, ऐसा तकलीफ होता है। हम मेरा बेटा आज पुलिस में है, उसका पुलिस में सेलेक्ट होने के बाद भी उसने वो ड्यूटी में ना जाए, पूरा दिमाग पूरा खराब हो गया था उसका। बाबा इधर आने के बाद कम से कम 2 दिन में हमारे अर्जी सुने, हम पहली बार आए इधर, पहली बार में हमारे बाबा ने अर्जी सुनी, पहली बार में हमारे लड़के का इतना, मेरा लड़के का दिमाग ठंडा कर दिया, मतलब बोल ही नहीं सकती मैं, इतना हमारा बाबा ने हमें गोद में उठा के पूरा हमारे पूरा भगा दिया, दुख दूर कर दिया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होती मैम? नहीं होती अभी, हाँ नहीं होती। हम थोड़ा खाली हम इधर पीछे करने की वजह से रुके, बाबा का इतना कृपा हुआ कि मतलब हम बोल जान देने के लिए जा रहे थे हम लोग, सच में हमारी तकलीफ ऐसा सभी के लिए। घर में हम 4 लोग, 4 भी लोग सोचते थे खाली कुछ ना कुछ करके मर जाए, ऐसा ही सोचते थे, मतलब ऐसा तकलीफ ही होते थे हमें, लेकिन तकलीफ होते थे। इधर आने के बाद बाबा ने हमें सब कुछ, हमारी जान बचा दिया पूरा का पूरा, हमारा अलाय भलाय पूरा। पैसा वगैरह तो नहीं लिया? कुछ भी नहीं बाबा, उसका हम ही कर्जदार है, बाबा का बड़े आम कर्जदार है, लेकिन इधर खाली तीनों दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, सब निःशुल्क है, इधर कुछ भी पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। सेवादार तो नहीं है यहाँ की? सेवा तो कभी कभी हमारे मन से कर, मतलब बाबा की सेवादार तो नहीं, उन्हीं की तरफ से नहीं नहीं हम गाय के लिए बोले बाबा, हम बाबा ऐसा ही है ही ऐसा है, बाबा के लिए हमारे सबका उम्र लग जाए, ऐसा जिंदगी में ऐसा मतलब कभी भी मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन ना ऐसा सबका बल। तो अब तो उनको बहुत सारे लोग गिराने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि अरे फेक है, अंधविश्वास फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा जो करते हैं मतलब दुनिया की भलाई के लिए करते हैं, ऐसा कोई ऐसा गलत मत बोलिए, ऐसा कोई गलत काम ना बोले,
हमें तो मतलब हम महाराष्ट्र ने हम हिंदी तो अच्छा नहीं आता, लेकिन ऐसा कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बाबा का ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। बाबा दुनिया के इतना दुनिया का बारे रात दिन तक सोते नहीं है बाबा, हम खुद ही देखते इधर ही, हम 4 महीने से यही इधर ही खुद देखते, रात रात दिन नहीं सोते, दो कम से कम हफ्ते हफ्ते नहीं सोते गुरु जी, हफ्ते हफ्ते दूसरे की भलाई के लिए सोते नहीं है, रात भर दिन भर इतना भीड़ रहते, उतना भीड़ में फिर रात रात में पूरा 2-2, 3-3 बजे उठ कर एक भभूति बांटते हैं गुरु जी सबके लिए, मतलब बीमार लोगों के लिए, इतना जनता के लिए करते हो गुरु जी। तो आपका बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ठीक हो गया, कुछ नहीं होता आपको? नहीं, हमें दिक्कत कुछ नहीं होता। तो कितनी पेशियां बताई हैं बाबा ने? हमारे बाबा ने हमारे पर्चे पर 21 पेशी लिखा है, हम पेशी करने की वजह से रुके, हमारे एकदम एकदम मतलब एकदम सही हो। पेशी में मैम आप ठीक हो गए? हम गाली मतलब हमारे बाबा इधर आने के बाद एक ही पेशी में हमारा पूरा बगाया था बाबा ने। हम रविवार के लिए आया, हमारे मंगलवार के मतलब गुरुजी ने सुनाई लगे, तुरंत पर्चा हमारा निकला, हमारा पूरा उसी दिन हमारे पूरा कम किया गुरुजी। प्रेत दरबार लगा हो? हाँ, प्रेत दरबार नहीं लगा, दरबार लगा था उसी दिन हमारे अर्जी लग गए, पूरा का पूरा उसी दिन कम किया गुरुजी हमारा। लेकिन मैम जैसे जो आप बता रही हो वो चीज़ लोग मानने को तैयार नहीं, वो क्या है कि होता है ना उनको समझ में आता, जिनको तकलीफ होता है ना उसका दर्द क्या होता है ना उसके लिए समझ में ना आता। भाषा में तो इसको ऐसा डॉक्टर नहीं बोल सकते, लेकिन जिनका उसका तकलीफ होता है उसके लिए समझ में आता है, वो जो जो उसका कदम कदम पर मतलब उसका तकलीफ सहना पड़ता है, जो सामने दिखता नहीं है वो, लेकिन दूसरे के लिए बोल भी नहीं सकते हम लोग मतलब क्या चीज होता है वो बोल भी नहीं सकते। हाँ, बोल भी नहीं सकते, लेकिन ना वो दूसरे के लिए मजाक लगता होगा, लेकिन जो वो बहुत ये बहुत तरीका अलग होता है। हनुमान जी के भक्त हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बहुत मतलब सभी के लिए मैं ये मानना चाहती हूँ, बहुत बाबा के कृपालु है, बहुत दयालु है, सबका बाबा का विश्वास बनाए रखना। बाबा सीताराम।